हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन लर्न विद द्युतिमन। बच्चों, मैं अरुण सिंह आपको ज्योग्राफी पहले पढ़ा चुका हूं और आपको ये आज जो टेस्ट ले रहा हूं वो भी मैं ही ले रहा हूं, तो उम्मीद करता हूं कि आप काफी अच्छा रेस्पॉन्स देने वाले हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपको पढ़ाया वैसे आपने पुराने जो क्वेश्चन हैं, पुराने क्वेश्चन पेपर्स हैं, टेस्ट पेपर्स हैं, उसमें आपने बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया। मुझे बड़ी खुशी है, लेकिन इस चीज को मैंने महसूस किया, एक तो क्या है, आप लोगों का टाइम मैनेजमेंट, मैंने कहीं ना कहीं उसमें एक नेगेटिविटी फील की कि बच्चों देखो, कोई भी एग्जाम हो आपके पास टाइम मैनेजमेंट के लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव होना चाहिए। अच्छे से अच्छे एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन में 30 सेकंड से ज्यादा टाइमिंग नहीं लगना चाहिए। क्वेश्चन उसमें पढ़ना भी है आपको, उसके ऑप्शंस भी आपको प्रॉपरली देखने हैं, और उसके बाद आपको उस पर क्लिक भी उसमें करना है, यानी उसमें मार्क भी आपको करना है। तो ये काम केवल 30 सेकंड के टाइम पीरियड के अंदर होना ही चाहिए, क्योंकि आपकी बाकायदा चाहे बहुत अच्छी नॉलेज हो, लेकिन अगर आपके पास आपने पेपर में टाइम मैनेजमेंट को महत्वपूर्ण नहीं रखा तो आप जानकर भी आप सफल नहीं हो पाएंगे, और ये बहुत बड़ी कमी होती है। तो टाइम मैनेजमेंट सबसे पहली नेसेसिटी है नॉलेज के साथ। दूसरी चीज मैंने महसूस की कि क्वेश्चंस को थोड़ा सा भी अगर घुमा दिया जाता है तो आप उसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसका केवल और केवल एक रीजन है, जब आप याद करते हैं तो क्वेश्चंस को केवल क्वेश्चन और आंसर की तरह मत ट्रीट करिएगा, उसको एक फैक्ट की तरह समझने का प्रयास कीजिएगा कि क्या कहा गया है। दूसरा, वीडियो साथ में आपके पास अगर मटेरियल है पीडीएफ के रूप में तो आप उसको इवन फिर भी आपको वीडियो एक बार देखना चाहिए ताकि आपको फैक्ट समझ में आ सके कि कोई चीज है तो क्यों है, तो किस रीजन से है, तो वो चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चंस को प्रॉपरली देखिएगा और आज उम्मीद करता हूं कि काफी अच्छा आप रेस्पॉन्स देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमेशा की तरह बिना देरी के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने, भारत में कुल उपयोग योग्य जल कितना है? भारत में जो कुल उपयोग योग्य जल है वो कितना है? तो ये आपके पास जो चार ऑप्शन है, 1869, 1968, 1769 और 1329 बिलियन क्यूबिक मीटर जल के ऑप्शन है। इसमें से कौन सा सही है, जल्दी से आप बताइएगा। बिल्कुल, आपका आंसर काफी बच्चों का सही है, 1869 बिलियन क्यूबिक मीटर जल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, खारे पानी के अतिरिक्त पृथ्वी पर उपलब्ध जल संबंधित सही तथ्य है। खारे पानी के अतिरिक्त पृथ्वी पर उपलब्ध संबंधित सही तथ्य है, 63% हिम रूप में पाया जाता है, 69% भूमिगत रूप में पाया जाता है, 63% भूमिगत रूप में पाया जाता है, या फिर 69% हिम रूप में पाया जाता है। खारे पानी के अतिरिक्त, देखिए अतिरिक्त वर्ड को मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, लेकिन एग्जाम में आपको ऐसा नहीं मिलेगा, आपको इस शब्द के, इस टाइप के शब्दों के ऊपर खुद बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। तो खारे पानी के अतिरिक्त क्या पाया जाता है पृथ्वी पर? दूसरा, जो जो नमकीन पानी नहीं होता है, जैसे झील का जो पानी होता है, मीठा पानी होता है, वो पाया जाता है। तो उसमें उपलब्ध जो संबंधित तथ्य है, उस जल से संबंधित वो क्या है, उसमें से जो टोटल है उसका कितना प्रतिशत क्या हिम रूप में पाया जाता है? 63% पाया जाता है, 69% पाया जाता है भूमिगत रूप में, या फिर 63% भूमिगत रूप में पाया जाता है उसका, या फिर उसका 69% हिम रूप में पाया जाता है। तो इसका कौन सा आंसर सही है, वो आप बताइएगा। इसका सही आंसर है 69% हिम रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सन 2025 में भारत में जल की कितनी आवश्यकता संभावित बताई गई है? 2025 से भारत में जल की कितनी आवश्यकता संभावित बताई गई है? 635 बिलियन क्यूबिक मीटर जल, 1023 बिलियन क्यूबिक मीटर जल, 690 बिलियन क्यूबिक मीटर जल, या फिर 1869 बिलियन क्यूबिक मीटर जल। तो इसमें सही आंसर बताइएगा कौन सा है, 2025 में भारत में जल की कितनी आवश्यकता बताई गई है? बिल्कुल, इसका आंसर है 1023 बिलियन क्यूबिक मीटर जल की आवश्यकता इसमें बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से पूर्णतः सही विकल्प नहीं है। निम्न में से पूर्णतः सही विकल्प कौन सा नहीं है? आंध्र प्रदेश और कर्नाटक है तुंगभद्रा परियोजना, गुजरात और मध्य प्रदेश सरदार सरोवर परियोजना, बिहार और उत्तर प्रदेश गंडक परियोजना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा मच्छकुट परियोजना। इसमें आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों को अच्छे से पढ़ना है, तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे। इसका सही आंसर है बी। क्यों? क्योंकि देखिए, इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, पूर्णतः सही विकल्प। पूर्णतः मतलब
पूरी कंप्लीट, लेकिन आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जो है, तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्यों द्वारा चलाई जा रही है, गंडक परियोजना जो है बिहार और उत्तर प्रदेश चला रहा है, मचकुट परियोजना आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्य सरकारों के द्वारा संचालित है, लेकिन सरदार सरोवर परियोजना जो है गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के द्वारा संचालित है। तो ये अधूरा है, ये पूर्णतः सही विकल्प नहीं है, क्योंकि इसमें राजस्थान भी इंक्लूडेड होना चाहिए था, ठीक है, तो इसलिए ये अपूर्ण है, ठीक है, इसलिए वजह से ये क्या है, गुजरात और मध्य प्रदेश जो है सरदार सरोवर परियोजना का जो आंसर है वो सही है, क्योंकि ये पूर्णतः सही विकल्प नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मयूराक्षी परियोजना का किस राज्य सरकार द्वारा संचालित है? मयूराक्षी जो परियोजना है किस राज्य सरकार द्वारा संचालित है? असम राज्य सरकार के द्वारा, कर्नाटक के द्वारा, पश्चिम बंगाल के द्वारा और उड़ीसा के द्वारा। किस राज्य सरकार के द्वारा संचालित है मयूराक्षी परियोजना, जल्दी से बताइए। बिल्कुल, अभी आपने लगा लिया है, और इसका आंसर क्या है, पश्चिम बंगाल। जो आपकी मयूराक्षी परियोजना है, फरक्का परियोजना है, ये कौन सी उसकी है, ये पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा संचालित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाखड़ा नागल संबंधित सही तथ्य नहीं है। कौन सा नहीं है? बिलासपुर पंजाब के निकट स्थित है, ये देश की सबसे बड़ी जल परियोजना है भाखड़ा नागल, पंजाब हरियाणा और राजस्थान राज्य सरकार द्वारा संचालित है ये, और भाखड़ा और नागल बांधों के नाम है, भाखड़ा और नागल जो है वो बांधों के नाम है। इसमें से कौन सा जो तथ्य है वो सही नहीं है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। एक चीज और कि आप लोगों ने बार बार इस चीज को बोला है कि इसका जब आप टेस्ट लिया करें तो उसको क्लैरिफाई किया करें और क्वेश्चन को डिस्क्राइब किया करें, तो बच्चों पहले ही काफी डिस्क्राइब किया जा चुका है वीडियोज में, यहाँ केवल आप टेस्ट दे रहे हैं, तो इस चीज को आपको समझना चाहिए कि बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता है, इस वजह से इसमें ज्यादा डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है, ठीक है। चलिए बताइए, गुड। तो कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए हैं, इसका आंसर क्या है, आप लोगों ने ऑप्शंस को प्रॉपरली नहीं पढ़ा है, बहुत सारे कुछ बच्चों ने, है ना, बिलासपुर को देख के आंसर लगा दिया, जबकि बिलासपुर जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, पंजाब में नहीं है, तो बिलासपुर पंजाब के निकट स्थित नहीं है, बिलासपुर हिमाचल प्रदेश के निकट स्थित है, और बाकी जो भी तथ्य हैं वो, बाकी जो तीन ऑप्शन हैं वो बिल्कुल सही हैं। भाखड़ा और नागल बांधों के नाम है, ये तीनों राज्य सरकार पंजाब हरियाणा राजस्थान सरकारों द्वारा संचालित है, और देश की सबसे बड़ी जल परियोजना भी ये है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से सही तथ्य नहीं है, निम्न में से सही तथ्य नहीं है, पश्चिम बंगाल का जो सोख है वो दामोदर नदी है, दामोदर की सहायक नदी बाराकार, बोकारो और कोनार है, महानदी का उद्भव उड़ीसा राज्य से होता है, और विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड है, तो कौन सा आंसर इसका सही होगा। देखिए भारत की, इसमें एक तथ्य और आपको पता होना चाहिए, भारत का जो सबसे बड़ी जो परियोजना है वो कौन सी है, भाखड़ा नागल है, लेकिन सबसे लंबी क्या है, हीराकुंड है, क्या ये सही है, जल्दी से बताइए। गुड, बहुत बढ़िया, आप लोगों ने काफी सही आंसर दिया है, और इसका आंसर क्या है, महानदी का उद्भव जो है वो कहां से है, वो छत्तीसगढ़ राज्य से है, ना कि उड़ीसा राज्य से, ठीक है, और बाकी सभी क्या है, विश्व का सबसे लंबा बांध जो है वो हीराकुंड है, लेकिन भारत की जो सबसे बड़ी परियोजना है वो भाखड़ा नागल है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, दामोदर की सहायक नदी बाराकार, बोकारो और कोनार ही है, और पश्चिम बंगाल का सोख दामोदर नदी ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हीराकुंड बांध की लंबाई कितनी है, ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि विश्व का सबसे लंबा बांध माना जाता है, तो इसकी लंबाई कितनी है ये आपको पता होना चाहिए, 4805 मीटर, 3801 मीटर, 4801 मीटर, या फिर 4505 मीटर, तो आंसर दीजिएगा फटाफट से। बच्चों हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, 30 सेकंड में हमारे आंसर आ जाने चाहिए, आप लोग बहुत धीमे चलते हैं, कोशिश करिएगा और फास्ट होने की। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है 4801 मीटर। देखिए इसमें जो ए ऑप्शन है ये क्या, कुछ बुक्स के अंदर 4805 दिया हुआ है, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं राजस्थान की तो हमें आरबीएससी बुक से ही सारे कॉन्सेप्ट्स को देखना है, उसमें जो लिख रहा है वही शाश्वत सत्य है हमारे लिए केवल राजस्थान के एग्जाम्स के कंसर्न में, लेकिन जब हम बात करें सेंट्रल एग्जाम्स की मैटर में तो सीबीएसई की बुक्स को हमें प्रेफर करना है। तो अब हम क्या बात कर रहे हैं, रीट की कर रहे हैं, पटवार की कर रहे हैं, राजस्थान पुलिस एसआई की कर रहे हैं, तो यहां पर क्या मैटर करता है, यहां पर ये मैटर करता है कि आरबीएससी की बुक्स में क्या लिखा है, तो यहां पर 4801 मीटर ही आंसर सही है, 4805 मीटर नहीं है, बहुत सारे बच्चे ये गलती कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिकरपाड़ा व नराज है, क्या है ये बांधों के नाम है, ये सहायक नदियों के नाम है, ये जल परियोजनाएं हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं है ये, तो इसका सही आंसर क्या होगा,
टिकरपाड़ा और नराज जो है वो बांधों के नाम है, सहायक नदियों के नाम है, जल परियोजनाएं हैं ये टिकरपाड़ा और नराज, या फिर इनमें से कोई नहीं? कौन सा आंसर सही है इसका? तो इसका सही आंसर क्या है? ये बांधों के नाम है। ये कौन से बांध है? हीराकुंड परियोजना में जो आपका बांध है हीराकुंड, उसके साथ तिकर पाड़ा और नाराज बांध भी बनाए गए हैं। तो ये क्या है? बांधों के नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतरराष्ट्रीय सीमा की ओर कितनी नहर शाखाएं इंदिरा गांधी नहर से निकाली गई हैं? अंतरराष्ट्रीय सीमा की ओर कितनी नहर शाखाएं इंदिरा गांधी नहर से निकाली गई हैं? इसके ऑप्शन है 8 शाखाएं, 9 शाखाएं, 7 शाखाएं या 7 लिफ्ट नहरें। तो आपको इसका आंसर निश्चित रूप से याद होगा, जल्दी से लगाइए इसका आंसर। बिल्कुल सही, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 9 शाखाएं, यानी इसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, माही बजाज सागर परियोजना पर स्थित बांध है, माही बजाज सागर परियोजना पर स्थित बांध कौन सा है? कड़ाना बांध है, माही बजाज सागर बांध है, उपरोक्त दोनों है, या इनमें से कोई नहीं? आंसर इसमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। कौन सा सही है इसका आंसर? माही बजाज सागर परियोजना पर स्थित बांध है। कौन से हैं ये बताइए? काफी इजी क्वेश्चन है ये, और आपको सभी को आना चाहिए, इसमें किसी की गलती होनी भी नहीं चाहिए। बिल्कुल सही, इसका आंसर क्या है? उपरोक्त दोनों। कड़ाना बांध जो है कहाँ पे है? ये गुजरात में है, और माही बजाज सागर बांध आपके राजस्थान में है। तो ये दोनों बांध ही माही बजाज सागर परियोजना के तहत बनाए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पांचना बांध परियोजना किस जिले में स्थित है? पांचना बांध परियोजना किस जिले में है? तो पाली में है ये, जालौर के अंदर है, गंगानगर के अंदर है, या करौली के अंदर है? तो ये आपको निश्चित रूप से याद होगा, क्योंकि ये बांध काफी स्पेशल भी है। पाली, जालौर, गंगानगर और करौली, इनमें से कौन सा आंसर सही है? जल्दी से लगाइए। वेरी गुड, बिल्कुल सही। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है करौली, डी। पांचना बांध परियोजना जो है ये करौली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, राजस्थान के किस शहर को सिटी ऑफ स्टेप वेल्स कहा जाता है? राजस्थान के किस शहर को सिटी ऑफ स्टेप वेल्स कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? आपको बहुत अच्छे से याद होगा, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ या फिर जोधपुर, किसको कहा जाता है? जल्दी से बताइएगा, सिटी ऑफ स्टेप वेल्स किसे कहा जाता है, किस शहर को कहा जाता है राजस्थान के? बिल्कुल सही, इसका आंसर क्या है? बूंदी। तो सिटी ऑफ स्टेप वेल्स का मतलब क्या है? वेल यानी कुआं, और जिसमें सीढ़ियां लगी हों, सिटी ऑफ स्टेप वेल्स। ठीक है, तो वो क्या है? बावड़ी। तो सबसे ज्यादा जो बावड़ी है वो बूंदी के अंदर पाई जाती है, तो इसी वजह से इस शहर को सिटी ऑफ स्टेप वेल्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म विकल्प गलत है? निम्न में से कौन सा युग्म विकल्प गलत है? देखिएगा, हेमाबास तालाब पाली में, सरेरी और मेजा भीलवाड़ा में, बांध किया जैसलमेर में, सेना पानी तालाब जोधपुर में। कौन सा इसमें ऑप्शन जो है वो गलत है? आपको ये तो पता लग ही गया होगा, ये सब तालाबों के नाम हैं और इनकी लोकेशंस इसमें दिखाई गई हैं। फटाफट से बता दीजिएगा, काफी इजी क्वेश्चन है ये। बिल्कुल सही आप किया आपने, इसका आंसर क्या है? बांध किया, ऑप्शन सी। बांकिया जो है वो चित्तौड़ में है, ना कि जैसलमेर में। तो इस हिसाब से ये जो युग्म विकल्प है वो गलत है। तो आपका आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रबी की फसलों की कटाई का समय होता है, इस क्वेश्चन को आप में से किसी को गलत नहीं करना चाहिए, अक्टूबर नवंबर, जून जुलाई, मार्च से अप्रैल और अक्टूबर से नवंबर, कौन सा आंसर सही है? फटाफट से बता दीजिएगा और लगा दीजिएगा, रबी की फसलों की कटाई का सही समय क्या होता है? मैंने जब आपको ज्योग्राफी पढ़ाई थी, कोशिश की थी कि उसमें कोई भी, देखिए बहुत, जब हम बड़े स्टडी मटेरियल को लेकर चलते हैं तो कुछ एक दो क्वेश्चन गलत होना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वी आर ह्यूमन, हम एक इंसान है, अगर गलती ही ना हो तो हम भगवान हो जाएंगे, तो इस चीज को आपको समझना चाहिए। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि उसमें एक भी फैक्ट गलत ना हो, क्योंकि मैं श्योर हूं कि उससे ज्यादा गलत फैक्ट तो बुक्स के अंदर है।
ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की कि आपको गलत फैक्ट देखने को ना मिले। तो इस चीज को आपको याद रखना है, समझना है और उन फैक्ट के ऊपर बिलीव भी करना है। ठीक है, तो क्या आंसर सही है इसका? इसका आंसर है मार्च से अप्रैल। रबी की जो फसलों की कटाई का समय क्या होता है? मार्च से अप्रैल, ये या आपको याद होना चाहिए बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से औद्योगिक फसल नहीं है। निम्न में से औद्योगिक फसल कौन सी नहीं है? गन्ना, कपास, चावल या फिर तिलहन, इनमें से कौन सी जो है औद्योगिक फसल के तौर पर इसको नहीं माना जाता है सामान्य तौर पे? देखिए वैसे तो औद्योगिक फसल सभी होती हैं, क्योंकि आजकल हर चीज को निर्यात किया जा सकता है ज्यादा मात्रा में होने पे, तो कहीं ना कहीं उद्योग से संबंधित होती हैं। लेकिन फिर भी कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनको प्रॉपरली औद्योगिक फसल नहीं कहा जाता है, तो कौन सी है वो? तो आप सभी ने सही आंसर लगा रहे हैं इसमें, और उसका आंसर क्या है? चावल। क्यों? क्योंकि गन्ना और कपास और तिलहन ये डायरेक्टली औद्योगिक फसल मानी जाती है, जबकि चावल, गेहूं, बाजरा ये सब क्या है? ये खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत ज्यादा मानी जाती है। तो यहाँ पर वैसे तो आंसर इसका कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आंसर सबसे सही आंसर कौन सा है? चावल, जो आपके सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। ये चावल जो है औद्योगिक फसल ना होकर खाद्यान्न फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गेहूं की फसल के लिए अनुकूल वर्षा है। गेहूं की फसल के लिए अनुकूल वर्षा क्या होती है? 25 से 75 सेंटीमीटर मानी जाती है, 50 सेंटीमीटर से कम हो तो ज्यादा बेटर है, 100 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा ज्यादा अच्छी होती है इसके लिए, या फिर 200 से अधिक सेंटीमीटर अगर हो तो वो फसल के लिए, गेहूं की फसल के लिए अनुकूल है। कौन सा आंसर इसका सही है? इसमें तो बिल्कुल देरी नहीं लगानी चाहिए आपको, फटाफट से इसका आंसर बताइए। बिल्कुल सही, इसका आंसर क्या है? 25 से 75 सेंटीमीटर की जो बरसात होती है वो गेहूं की फसल के लिए अनुकूल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गेहूं उत्पादन की दृष्टि से विश्व में तीसरे स्थान पर आता है, कौन सा देश आता है? तो ये आप देखिएगा, अमेरिका, चीन, भारत या फिर ब्राजील, इन चारों देशों में से गेहूं उत्पादन की दृष्टि से विश्व में तीसरे स्थान पर कौन सा आता है? तो मुझे पता है कि आपको सभी को पता है और आपके आंसर भी उसी हिसाब से आएंगे। वेरी गुड, तो गेहूं उत्पादन की दृष्टि से विश्व में तीसरे स्थान पर कौन सा देश है? बिल्कुल सही, सी भारत। इसका आंसर क्या है? भारत। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, ये बहुत मोटी मोटी क्वेश्चन हैं जो आपको आने ही चाहिए। तो गेहूं उत्पादन की दृष्टि से विश्व में तीसरे स्थान पर भारत आता है, चीन और अमेरिका दूसरे और तीसरे स्थान पे, सॉरी पहले और दूसरे स्थान पे आते हैं, और ब्राजील में गेहूं उत्पादन इतनी मात्रा में नहीं होता है ना? तो चीन, अमेरिका जो प्रथम और द्वितीय स्थान पे आ रहे हैं, और तीसरे स्थान पे भारत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चावल की फसल के लिए अनुकूल नहीं है, कौन सा नहीं है? उष्णकटिबंधीय भाग इसके लिए अनुकूल नहीं माने जाते, 19 से 27 सेंटीग्रेड तापमान इसके लिए अनुकूल नहीं हो, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा नहीं हो, या फिर दोमट और कछारी मिट्टी इसके लिए उपयोगी नहीं हो। तो कौन सा आंसर इसके लिए बिल्कुल सही होगा? कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो चावल की फसल के लिए अनुकूल नहीं है? कौन सा अनुकूल नहीं है बताइए फटाफट से। बिल्कुल सही, इसका आंसर आपने लगाया, इसमें 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा नहीं होती, बल्कि 200 सेंटीमीटर से कम की वर्षा इसमें चाहिए होती है। चावल की फसल के लिए पानी की आवश्यकता काफी मात्रा में होती है, तो इसलिए ये सामान्य तौर पर ऐसी जगह उगाए जाते हैं जहां पर पानी बहुत अच्छी मात्रा में उपलब्ध हो, लेकिन 200 सेंटीमीटर से भी अधिक बारिश होगी तो वहां पर इनके उगने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है, तो ये अनुकूल परिस्थिति नहीं है। बाकी तीनों ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक मात्रा में होने वाली चावल की फसल है, सर्वाधिक मात्रा में होने वाली चावल की फसल है। अभी क्वेश्चन देखें नहीं समझ में आ रहा है तो चलिए ऑप्शन देखते हैं, अमन, ओस, नरमा और बोरो। अब आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि ये चावल के प्रकार, चावल की फसलों के प्रकार हैं, तो सर्वाधिक मात्रा में कौन सा प्रकार है जो होता है भारत देश के अंदर? ठीक है, कौन सी है? अमन, ओस, नरमा या बोरो, सबसे ज्यादा कौन सी प्रकार की फसल होती है यहाँ पे? तो बिल्कुल सही है आपका आंसर काफी लोगों का, और आंसर क्या है? अमन। अमन क्यों है? नरमा तो देखिए, अमन, ओस और बोरो ये तो क्या है, चावल की फसलों के प्रकार हैं, लेकिन नरमा क्या है? कपास की प्रकार है, कपास की फसल का प्रकार है जो महीन देशे होती है। तो सबसे ज्यादा जो मानसूनी टाइम में होता है
और मानसूनी चावल की जो फसल है उसको क्या कहा जाता है, अमन कहा जाता है, और इस वजह से ये अमन जो है, अमन का जो प्रकार है चावल की फसल का, ये सर्वाधिक मात्रा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मक्का की फसल है, मक्का की फसल क्या है, खरीफ की फसल है ये, खाद्यान्न फसल है ये, औद्योगिक फसल है ये, या उपयोग सभी, तो इसमें कौन सा आंसर सबसे बेस्ट है, क्या सही है, कौन सा आंसर सही है इसका, फटाफट से बताइएगा। मक्का की फसल कैसी है, खरीफ की फसल है ये, खाद्यान्न फसल है, औद्योगिक फसल है, या उपरोक्त सभी, फटाफट से आंसर लगा लीजिएगा। काफी अच्छा रेस्पॉन्स आप लोग देते हैं, वेरी गुड, बिल्कुल सही, इसका आंसर क्या है, उपरोक्त सभी, खरीफ की फसल भी ये है, खाद्यान्न की फसल भी ये है, और औद्योगिक फसल भी ये है, ठीक है, तो ये तीनों ही फैक्ट इसके बारे में बिल्कुल सही है, तो ये क्या है, उपरोक्त सभी इसका आंसर आ गया, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बाजरा उत्पादन में राजस्थान राज्य का भारत में स्थान है, बाजरा उत्पादन में राजस्थान राज्य का भारत में कौन सा स्थान है, तो हम जानते हैं प्रथम, द्वितीय, तृतीय, या इनमें से कोई नहीं, कौन सा इसका ऑप्शन बिल्कुल सही है, बाजरा उत्पादन में राजस्थान राज्य का भारत में स्थान है, कौन सा स्थान है बताइए जल्दी से, हाँ इसमें तो काफी जल्दी आंसर आ रहे हैं, गुड, इसी स्पीड से सभी में आंसर आपके आने चाहिए, बिल्कुल, तो आपने बता दिया है सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है इसमें, प्रथम है, जो बाजरा है राजस्थान में सबसे ज्यादा कहाँ होता है, राजस्थान में होता है, भारत के अंदर सबसे ज्यादा जो बाजरा उत्पादन होता है राजस्थान के अंदर होता है, और पूरे विश्व में प्रथम स्थान पे आता है भारत बाजरा उत्पादन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में मूंग का उत्पादन किस जिले में सामान्यतः नहीं किया जाता है, राजस्थान में मूंग का उत्पादन किस जिले में सामान्यतः नहीं किया जाता है, धौलपुर, जालौर, नागौर, या फिर जोधपुर, जो आपने क्वेश्चंस को पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि मूंग उत्पादन किन जिलों में किया जाता है, तो अगर आपको याद है तो आपको इसका आंसर देने में बिल्कुल गलती नहीं होगी और बहुत आसानी से आप इसका आंसर दे पाएंगे, राजस्थान में मूंग उत्पादन किस जिले में सामान्यतः नहीं किया जाता है, तो किसमें नहीं किया जाता है, बिल्कुल सही, धौलपुर, क्योंकि जालौर, नागौर, जोधपुर, यहां पर तो मूंग की उत्पादन होता ही है, तो धौलपुर क्षेत्र में नहीं किया जाता सामान्यतः, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में मसूर का उत्पादन किस फसल के साथ किया जाता है, राजस्थान में जो मसूर की जो उत्पादन है वो किस फसल के साथ किया होता है, खरीफ की फसल के साथ किया जाता है, रबी की फसल के साथ किया जाता है, उपरोक्त दोनों के साथ किया जा सकता है, या फिर जायद की फसल के साथ किया जाता है, इसका आंसर फटाफट से बता दीजिएगा आप, क्योंकि ये क्वेश्चन तो डायरेक्टली उसमें दिया गया था, राजस्थान में मसूर का उत्पादन किस फसल के साथ किया जाता है, बिल्कुल सही, तो इसका आंसर क्या है, मसूर का उत्पादन रबी की फसल के साथ किया जाता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारतीय मूल की फसल मानी जाती है, भारतीय मूल की फसल मानी जाती है, मूंगफली, बांस, कपास, या इनमें से कोई नहीं, तो जब आपको इन सभी के आंसर प्रॉपरली पता होंगे तो आप इसका आंसर बहुत आसानी से कर पाएंगे, और मुझे उम्मीद है कि इन सभी का आंसर आपको पता होना चाहिए, भारतीय मूल की फसल कौन सी मानी जाती है, बिल्कुल सही ऑप्शन आपने लगाया, भारतीय मूल की फसल कौन सी है, बांस है, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, मूंगफली कहाँ की है, मूंगफली आपकी ब्राजील की है, कपास आपकी अमेरिका की है, और बांस जो है वो भारतीय मूल का पौधा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अरंडी का उपयोग किन कार्य हेतु मुख्यतः किया जाता है, अरंडी जो है उसका उपयोग मुख्यतः किन कार्य हेतु मुख्यतः किया जाता है, स्नेहक के रूप में किया जाता है, साबुन निर्माण में किया जाता है, चमड़ा शोधन में किया जाता है, या फिर उपरोक्त सभी में इसका उपयोग किया जाता है, अरंडी का उपयोग किन कार्य हेतु मुख्यतः किया जाता है, फटाफट से इसका आंसर दीजिएगा, वेरी गुड, तो क्या है, अरंडी का उपयोग क्या है, सभी में किया जाता है, स्नेक के रूप में आपने सुना होगा अरंडी का तेल आता है, फिर साबुन निर्माण में भी किया जाता है, वहां पे भी इसके तेल का यूज किया जा सकता है, और चमड़ा शोधन में भी अरंडी का उपयोग किया जाता है,
ठीक है, तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? सोयाबीन का जो सर्वाधिक उत्पादन है भारत के किस राज्य में होता है? राजस्थान में सबसे ज्यादा होती है, महाराष्ट्र में ज्यादा होता है, मध्य प्रदेश में ज्यादा होता है, या गुजरात में सबसे ज्यादा होता है? फटाफट से इसका आंसर लगाइए। टाइम मैनेजमेंट का बहुत ध्यान रखिएगा, कोशिश करिएगा, जब हमें 30 सेकंड एग्जाम में मिल रहे हैं तो हम कोशिश करें 20 या 15 सेकंड में ही उस क्वेश्चन को कर लें, तो आपको रिवाइज का टाइम मिल जाएगा और आप कहीं जो कंफ्यूज हो जाते हैं जिन क्वेश्चन को, उसको आप क्लेरिफाई कर पाएंगे। कई बार क्या होता है, हमें टाइम मिलता है तो हम आगे की क्वेश्चन को जब देखते हैं तो हमें कई बार वो क्वेश्चन समझ में आ जाते हैं जो कि पहले हमारे छूट जाते हैं, जो हमें नहीं आ रहे होते, तो कई बार क्वेश्चन में ही उनका जवाब मिल जाता है, लेकिन आपके पास टाइम ही नहीं होगा तो आप कैसे उनको सही कर पाएंगे? आपको इसके लिए जरूरत है कि आप टाइम मैनेजमेंट के साथ चलें। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है मध्य प्रदेश। सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन भारत में कहाँ होता है? मध्य प्रदेश के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में भारत का कितना प्रतिशत सरसों उत्पादन होता है? राजस्थान में भारत का कितना प्रतिशत सरसों का उत्पादन होता है? कितना होता है, 39%, 63%, 23% या फिर 41%? राजस्थान में भारत का कितना प्रतिशत सरसों उत्पादन होता है? बिल्कुल सही, इसका आंसर क्या है, 41%। राजस्थान में भारत में जो है, भारत राजस्थान के अंदर भारत का जो टोटल सरसों उत्पादन होता है उसका 41% केवल राजस्थान में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत में मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक होता है? भारत में जो मूंगफली का उत्पादन है वो किस राज्य में सर्वाधिक होता है? इसका ऑप्शन क्या है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर गुजरात? भारत में मूंगफली उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक होता है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर गुजरात? इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको याद होते हैं तो आप तुरंत क्लिक कर देते हैं, और अगर नहीं होते हैं तो फिर आप उसमें कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो कोशिश करिएगा कि आप एक बार में इसको याद करें, कंसेप्ट देखें, ज्योग्राफिकल सिचुएशन देखने के बाद हम मैक्सिमम जो क्वेश्चन हैं उसके आंसर का अंदाजा भी लगा लेते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी बताइए। गुड, बिल्कुल सही, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर डी, गुजरात। भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है? गुजरात में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लंबे व महीन रेशे वाली कपास नरमा, जिसके बारे में मैंने पहले क्वेश्चन में बात भी की थी, लंबे और महीन रेशे वाली जो कपास नरमा है वो किस देश की फसल माना जाता है, मतलब वो कहाँ कहाँ से किस देश से आई हुई मानी जाती है ये फसल? ब्राजील, अमेरिका, भारत या डेनमार्क? किस देश के मूल का पौधा माना जाता है कपास को, जो महीन और लंबे और महीन रेशे वाली जो कपास है, जिसको हम यहाँ पर लोकल में नरमा सब का उपयोग करके जानते हैं, नरमा के नाम से भी जानते हैं, है ना? लंबे और महीन रेशे वाली कपास नरमा किस देश की फसल माना जाता है, कहाँ से आई हुई मानी जाती है, किस देश का मूल पौधा माना जाता है इसको? फटाफट से बताइए। बिल्कुल सही, ये अमेरिका मूल का पौधा है। तो बच्चों, मैंने आज इसमें 30 क्वेश्चन ही रखे थे क्योंकि आपके पास चैप्टर मात्र 2 थे, तो उम्मीद करता हूँ कि सभी के आंसर सही आए होंगे और काफी अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। ठीक है, तो इसको आप मेंशन करिएगा, क्योंकि ये जो आपके कमेंट्स हैं उसको मैं और मैम आपकी दोनों ही चेक करते हैं, एक एक मैसेज को हम देखते हैं, और जितना भी हम कोशिश करते हैं आप लोगों को रेस्पॉन्स देने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।